पदार्थों के मिश्रण में से प्रत्येक पदार्थ को पृथक करने की अनेक विधियां हैं, उनमें से वाष्पन भी एक विधि है। आज हम आपको वाष्पन के बारे में बताने जा रहे हैं। वाष्पन की क्रिया में क्या होता है कि द्रव वाष्प बनकर बाहर निकल जाता है और ठोस या अन्य पदार्थ बच जाता है। जैसे कि अगर हम नमक को पानी में घोल लें और उसको गर्म कर दें तो क्या होगा कि पानी भाप बनकर बाहर निकल जाएगा। भाप ही वाष्प है और नीचे जो ठोस बच जाता है वो रवे के रूप में या क्रिस्टल के रूप में बचा रहता है। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण वाष्पन का देखिए कि घर में जो कपड़े धुलते हैं उनको सूखने के लिए हम फैला देते हैं, तो होता क्या है कि इन कपड़ों से पानी वाष्प बनकर बाहर निकल जाता है और कपड़े सूख जाते हैं। वाष्पन की क्रिया को हम नमक बनाने में भी प्रयोग करते हैं। समुद्र के जल को कई बड़ी बड़ी क्यारियों में इकट्ठा कर लिया जाता है और इन क्यारियों का जल धूप से वाष्प बनकर बाहर निकल जाता है और क्रिस्टल के रूप में हमें नमक प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार नमक बनाने की एक विधि है। पदार्थों को पृथक करने की एक विधि आसवन भी है। आसवन में क्या होता है हम प्रयोग करके बता रहे हैं। आपके सामने ये फ्लास्क है, इस फ्लास्क में द्रव भरा हुआ और ऐसा द्रव जो अशुद्ध है, यानी इसमें अनेक प्रकार के पदार्थ भी मिले हुए हैं। तो हमने क्या किया, इसको गर्म किया। फ्लास्क के ऊपर आप देख रहे हैं कि ये एक कार्क है, कार्क के बाहर एक नली लगी हुई है और ये नली ऐसे बाहर आ गई। अब जब हम फ्लास्क को गर्म करेंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर का जो द्रव है यानी जल, वो भाप बनेगा और भाप बनकर इस नली से बाहर निकलेगा और नली से होते हुए ये भाप आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते ही एक दूसरा यंत्र इसको मिल रहा है, इसको हम संघनित्र या कंडेंसर कहते हैं। ये हमारा कंडेंसर है। इसके अंदर देखिए इधर और उधर दो ये टोटियां लगी हैं। हम इसके अंदर जल प्रवाहित करके इसको और ठंडा कर सकते हैं और जब भाप इसके अंदर से जो नली है उसके अंदर से आगे बढ़ेगा तो ऊपर जो संघनित है उसके अंदर का ठंडा जल उसको और ठंडा कर देता है। इस समय तो वैसे ही भाप ठंडी हो रही है और ये भाप आगे बढ़ेगी, ठंडी होती जाएगी। इस प्रकार भाप पानी की बूंद बनकर देखिए ये टपक रही है। यहाँ पर देखिए पानी की बूंद टपक रही है। ये हमारा आसुत जल यानी डिस्टिल्ड वाटर है। तो इस प्रकार अगर हम जल को गर्म करें तो गर्म करके यहाँ पर हम डिस्टिल्ड वाटर यानी आसुत जल प्राप्त कर सकते हैं, वह आसुत जल जिसका उपयोग डॉक्टर लोग करते हैं। डिस्टिल्ड वाटर का उपयोग डॉक्टर लोग इंजेक्शन लगाने में करते हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये डिस्टिल्ड वाटर है, ये देखिए इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ये डिस्टिल्ड वाटर है।
इसको डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि ऐसे सिरिंज में इसको खींच कर ऐसे भरते हैं डिस्टिल वाटर, और इसको अगर कोई दवा होती है तो उसको भी इसी के अंदर भर लेते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं। एक आजकल डिस्टिल वाटर और रूप में भी आ गया है इस तरीके से प्लास्टिक के शीशियों में। तो इस प्रकार आसुत जल यानी डिस्टिल वाटर हम तैयार करते हैं पानी को उबाल कर और उसके वाष्प को संघनित करके यानी कंडेंस करके। पदार्थों के पृथक करने की विधियों में आंशिक आसवन भी एक विधि है। इस विधि में ऐसे द्रव लिए जाते हैं जिनके क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट यानी उबलने का जो ताप है वो भिन्न भिन्न होता है। अगर ताप में भिन्नता अधिक है तो उनको पृथक करना आसान हो जाता है। हम आपको बताने जा रहे हैं इसमें कि अगर स्प्रिट और पानी दोनों का एक मिश्रण हो तो कैसे हम स्प्रिट और पानी को पृथक कर पाएंगे। स्प्रिट का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट उबलने का ताप कम होता है और पानी का अधिक होता है, इसीलिए स्प्रिट शीघ्र ही भाप बनकर वाष्प बनकर निकल जाएगी और पानी शेष रह जाएगा। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं ये स्पिट है, अब थोड़ा सा स्पिट इसमें से ले लेते हैं। और इस स्पिट में पानी मिलाते हैं और ये बन गया स्प्रिट और पानी का मिश्रण। अब इसमें से स्प्रिट को हमें अलग करना है, अब इसको हम गर्म करेंगे। गर्म करने के लिए इसको हम इस स्टैंड पर लगा देते हैं। अब हम स्प्रिट और पानी के मिश्रण को गर्म करने के लिए स्प्रिट लैंप जलाते हैं और इस लैंप को परखनली के नीचे रखते हैं। अब होगा क्या कि जो स्प्रिट है इसका क्वथनांक कम होता है, क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट उबलने का ताप, ये कम होगा और कम ताप होने के कारण स्प्रिट जल्दी ही वाष्प बनकर निकल जाएगी और रह जाएगा शेष पानी। और यही हुआ आंशिक रूप से आसवन की विधि, यानी दो या अधिक द्रव जिनके क्वथनांक को यानी उबलने के ताप में भिन्नता होती है तो वे पृथक किए जा सकते हैं। यही है आंशिक आसवन।